मारती थी, हाथ मरोड़ा, यहाँ से खून निकल रहा था, टप्पे गिर रहे थे, हाथ मरोड़ के जोर जोर से चाटे मारे, बेलन से मारा जोर जोर से पैर पर, यहाँ से मुंह से खून निकल रहा था इधर से, और खून के टप्पे भी थे नीचे। जब मैं स्कूल से आया तब ये सब देखा था, ये कब की और बात मेरा है, कितने बजे दादा की? उसी दिन की? भी, ये चार नहीं, से 5 बजे की कोई बात है। वन दिन की नहीं, ऐसा घटना एक 10-15 दिन पहले आ रही है। हाँ ठीक है, 10-15 दिन पहले की घटना है। तो आप जब हाँ अपनी आंखों से देखा कि बुआ ऐसा कर रही है, तो आप देखिए, आपने बुआ को बोला? अगर और मम्मा मुझे बाहर नहीं जाने दे, मतलब एक कमरा में वो मुझे खुद को और मुन्नू को बंद कर दी, मेरी मम्मा, और फिर बोल रही थी कि बाहर नहीं जाना, बुआ मारेगी सब, और फिर पापा को फोन किया मम्मा ने, तो जब पापा आए तब ये सब बोल रहे थे कि इसको कितना भी मारो समझाओ मुझे कुछ नहीं जाता है, तो भगवती, तो फिर मेरी बुआ बोल रही थी कि है ना यार, मेरी दादी ने बोला कि मेरी मम्मा को बाहर नहीं ले जाना, उस टाइम वो मेरे प्रोजेक्ट के पेपर लेने जा रही थी बाहर, तो फिर उस टाइम के, और है ना ये भी बोला कि ये, और है ना भगवती बुआ ने ये भी बोला कि दादी ना बत, मेरी दादी ने बताया कि मेरी मम्मा पापा को बहुत टॉर्चर करती थी, पर मैंने खुद देखा है पापा मम्मा को टॉर्चर करते थे। अच्छा, पापा भी टॉर्चर करते थे, दादी भी टॉर्चर करती थी, आपकी बुआ भी टॉर्चर करती थी। तो आपको लगता था कि आप जब मम्मा के पास आते तो आप क्या बोलते हैं, मम्मा आपको क्या बोलती? पूछते तो देंगे, मम्मा आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये कुछ बोलते हैं आप या कोई बोलते हैं? मैंने एक बार पूछा कि दादी साहब आपके साथ ऐसे क्यों करते हैं, तो मम्मा ने जवाब दिया कि ऐसे ही कुछ नहीं, ये जवाब दिया मम्मा अच्छा, ने। कितनी सहनशील थी आपकी मम्मी, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये बेटियों की हालात है बेटा। एक तरफ तो हम कहते हैं आप हाथ मत जोड़ो बेटा, मैं समझता हूँ, एक तरफ तो कहते हैं जब बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है, लेकिन चंदा बेटी वो जीत हार कैसे गई, ये समाज के सवाल को जवाब देना होगा। क्योंकि लोग रुपए पैसे कमाने के लिए प्रदेशों में तो आ जाते हैं, लेकिन इतने उन्मुक्त हो जाते हैं रुपए पैसे के, अपने जीवन ही भूल जाते हैं, अपने अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपनी धर्म पत्नी को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को भूल जाते हैं। और आपके सामने नहीं कहूँ ऐसी बात है, लेकिन गलत रास्ते पे जाकर के ये भटकाव आ जाता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस माँ को मालूम है कि बेटी क्या होती है बेटा, मैं जानता हूं। आप तो बिंदास हाथ जोड़ा है तो बोले, आप तो बिंदास बोले समाज को कि मेरी मम्मी मुझे वापस ला करके दो। आप बिंदास बोले के हैं कोई समाज के, मैं माई का लाल जो मेरी मम्मी को वापस ला दे, और मेरी मम्मी का कसूर क्या है, बोले आप बिंदास। समाज मेरी मम्मी को वापस लाए, कौन लाएगा मेरी मम्मी अच्छा, को, मुझे अपनी मेरी मम्मी चाहिए, मेरे छोटे भाई को मम्मी चाहिए। तो आप सुन रहे हैं समाज वालों, 22,000 गांव और 40 लाख की आबादी, बहुत अच्छी तरह से सुन लो, यही 1982 का विषम संक्रांति है। और आज इस परिवार को जब आप देख रहे हो तो मैं भी मतलब अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ, और इन नए नए मैंने बच्चों को और इन नैनी किलकारियां जो उनके खेलने की उम्र है, और ऐसी उम्र में उनकी आंखों के सामने उसकी मम्मी का जो है जिस तरह से ये कह सकते हो कि जघन्य अपराध हुआ, एक सामाजिक अपराध हुआ है, उस अपराध का बोध समाज को होना चाहिए, जवाबदेह है ये राजपुरोहित समाज, समाज के ठेकेदार जवाबदेह है कि ये इस तरह की